कि आप सोच नहीं सकते हो कि इस कार में एनी टाइम आग लग सकती है। इस वायरिंग को देख के किसी को भी डर लगेगा, कंपनी वाले भी बोलेंगे कि भैया ये करवा क्या रखा है। आगे दोस्तों, फ्री में पावर विंडो लेने के लिए, फ्री में सेंटर लॉकिंग लेने के लिए, ये फ्री के नाम पर जो आपके साथ में स्कैम होता है ना, और आपकी भावनाओं के साथ में खेला जाता है, वो आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये गाड़ी करोलबाग से मॉडिफाई हुई है, जो आप लोग वीडियो देख के वहाँ पे विश्वास करके जाते हो, ये गाड़ी भी उसी वजह से गई है। बैटरी ड्रेन हो रही है, वायर ऐसे खुले पड़े हैं, कोई वायर को कहीं पे बांधा नहीं गया। एक हॉर्न जैसी ऑर्डिनरी सी चीज कहाँ लगाई है यहाँ। करोलबाग से मैंने काम करवाया था, मतलब बोला तो वहाँ यही गया था कि कपलर सब कुछ सही होगा, फिर 5-6 महीने बाद मेरी कार की बैटरी पूरी खराब हो गई, कमी हो गई बैटरी, बैटरी पूरी रिप्लेस हुई। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज सैटरडे का दिन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी सारी कार्स मॉडिफाई हो रही हैं। एक नेक्सॉन, एक फिर पीछे एक और नेक्सॉन, दो तीन नेक्सॉन, फिर एक और चौथी नंबर की नेक्सॉन, ये पांचवी नेक्सॉन जो कि चंडीगढ़ मोहाली से आई हुई है, और ये नेक्सॉन नंबर 6 ये भी चंडीगढ़ मोहाली से आई हुई है। सामने एक यारिस, टोयोटा की यारिस, और एक ये डिज़ायर। तो 8 कार्स हमारे पास मॉडिफाई हो रही हैं। आज का स्पेशल टॉपिक ये है कि ये कार हमारे पास मॉडिफाई होने के लिए नहीं आई इतनी दूर से। आप सब जो इतनी दूर दूर से गाड़ियां मॉडिफाई कराने के जाते हो करोलबाग, ये गाड़ी करोलबाग से मॉडिफाई हुई है, जो आप लोग वीडियो देख के वहाँ पे विश्वास करके जाते हो, ये गाड़ी भी उसी वजह से गई है। और इस गाड़ी में एक नहीं, गिनती नहीं है, अनेक दिक्कत है। बैटरी ड्रेन हो रही है, वायर ऐसे खुले पड़े हैं, कोई वायर को कहीं पर बांधा नहीं गया। गाड़ी के अंदर सारी की सारी वायरिंग जो है वो आपस में खुली पड़ी है, मतलब कोई टेपिंग तक नहीं गई हुई, कोई स्लीव नहीं डाली हुई, मतलब वायरिंग की ऐसी हालत है कि आप सोच नहीं सकते हो कि इस कार में एनी टाइम आग लग सकती है। कस्टमर बहुत वरीड थे, मेरी वीडियो को बाद में देख पाए, फॉलो कर पाए, ये उनका बैड लक है। उन्होंने खुद मुझे बोला कि शायद मैं आपकी वीडियो पहले देख लेता तो ये कार मैं करोलबाग से मॉडिफाई नहीं कराता। आइए मैं कार की कंडीशन दिखाता हूँ आपको अंदर से। पहले तो आप ये डैम्पिंग वर्क देखो, कितनी लोकल और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की डैम्पिंग है। यहाँ हर चीज़ का जो है वो जुगाड़ किया गया है। ये टेपें मारी गई हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास कपलर यूज़ होते हैं। ये वायरिंग सारी ऐसे, ये देखिए टेपें सब खुली पड़ी हैं, जिसको बोला जाता है कि प्लग एंड प्ले वर्क। सारा वर्क जो है वो लोकल है। ये आप देख रहे हैं पावर विंडो की रिले, जो कि आप देखो कितनी लो क्वालिटी की, लो स्टैंडर्ड की रिले लगाई है। आप लोग जब जाते हो ना, बहुत स्पेशली वीडियो देख के प्राइजेस सस्ते मिल रहे होते हैं आपको, आप अट्रैक्ट हो जाते हो, तो ये काम आपको मिलता है दोस्तों करोलबाग जाके। हमेशा आपको मैं ये चीज़ गाइड करता हूँ कि प्राइजेस के पीछे मत भागो, प्राइजेस से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। ऐसे स्टोर को, ऐसी जगह को चूज़ करो, उस जगह पे जाओ जहाँ आपको पता हो कि वो बंदा ट्रस्टवर्दी है और वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये वायरिंग की क्वालिटी आप देखो, ये पावर विंडो की वायरिंग है, जो आपको बोला जाता है ना प्लग एंड प्ले, ये देख लो कहाँ का प्लग एंड प्ले है। सारी वायरिंग टेप कर रखी है, सिर्फ आगे जाके कपलर है, तो दिस इज़ नॉट प्लग एंड प्ले। अब मैं इसके अंदर सारी वायरिंग नहीं लगा के दूंगा, सारी वायरिंग को ऑर्गेनाइज करूंगा, सारी चीज़ों को प्रॉपर जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है वो करूँगा। और इस पूरी कार में जहाँ पर जो जो प्रॉब्लम है, इनफैक्ट हर जगह प्रॉब्लम है, एक एंड्रॉयड लगाना बहुत सिंपल काम है, इसमें तक प्रॉब्लम है। इसके अंदर से भी चक 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 आवाज़ आ रही है, गड्ढों में हिल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम ये आज हम उसको सही करने लगे हैं। इनकी बैटरी की प्रॉब्लम को ठीक करने लगे हैं। कंपनी ने एक बार तो बैटरी रिप्लेस कर दी इनकी अंडर वारंटी, क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी इनकी। गाड़ी जरा सी खड़ी होती थी, 2 दिन बाद बैटरी पूरी ड्रेन हो जाती थी, बट कंपनी ने इनको वार्न कर दिया कि हम नेक्स्ट टाइम आपकी बैटरी रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास आई है ठीक होने के लिए, और आपको अब थोड़ी देर के बाद मैं दिखाऊंगा कि इस कार में हमारी वायरिंग करने का तरीका क्या है, और हम किस क्वालिटी से काम करते हैं, और कस्टमर से मैं आप मिलाऊंगा और उनका पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। अब और आगे की कहानी सुन लो और देख लो। ये देखो, ये जो आपको पावर विंडो फ्री में दी जाती है ना, ये ऐसे जुगाड़ से पावर विंडो लगाई जाती है
जिस पावर विंडो की कोई वैल्यू नहीं है और ना वो पावर विंडो कभी ज़िंदगी में सही चलेगी। अगर ऐसे जॉइंट लगेंगे तो पावर विंडो फ्री में क्या लगवाना ही मत कभी अपनी गाड़ी के अंदर। और आपको अंदर की चीज़ दिखाता हूँ, ये जो मिरर होल्डिंग की रिले है पूरा पानी गया हुआ है। ये देखो, देख रहे हो ये वाइट वाइट निशान, ये सारा कार्बन लग गया है। ये खाली इस पन्नी के अंदर ऐसे डाल के इसके अंदर फेंकी हुई थी, ना उसको कहीं पे पैक किया गया था ना टाइट किया गया था। ये देख लो हालत, देख लो इस रिले की वायरिंग की हालत देख लो। ये जो क्रॉस ओवर है ना, ये क्रॉस ओवर भी इसके अंदर डाला हुआ था डोर पैनल के अंदर यहाँ पे। ये जो रिंग्स है ना, रिंग्स ये वाटर गार्ड रिंग होने चाहिए जिनके पीछे पूरी सेफ्टी होती है ताकि जो हमारे स्पीकर के टर्मिनल है उस पर पानी ना जाए। ये देखो कोई वाटर गार्ड रिंग नहीं है, ये नॉर्मल रिंग है। और यहाँ आप देखो इतने जॉइंट्स हैं, इतने जॉइंट्स हैं कि आप जॉइंट को ना हटाते हटाते देखते देखते थक जाओगे। ये देखो ये सब जॉइंट्स हैं, सब जुगाड़, टोटल जुगाड़। अब इस वायरिंग को देख के किसी को भी डर लगेगा, कंपनी वाले भी बोलेंगे कि भैया ये करवा क्या रखा है। ये आपका पावर विंडो की वायरिंग दिखा रहा हूँ मैं, ये देख रहे हो। अब इस वायरिंग के अंदर तो आपने देख लिया कितने जॉइंट्स हैं, सब जगह टेपे मारी हुई हैं और वो टेपे भी इतनी घटिया क्वालिटी की हैं कि वो पिघल पिघल के अपने आप उतर रही हैं। देख रहे हो ये टेपे जो है ना, अभी तो ये गाड़ी मुश्किल से 2 महीने पुरानी है। आप सोचो कि ये गाड़ी जब 2 साल पुरानी हो जाएगी तो क्या ये कोई भी टेप लास्ट करेगी। और ये रिले का साइज और क्वालिटी देख लो, लगवा लो भाई फ्री में लगवा लो, बट गाड़ी का सत्यानाश करवा लो। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ स्काई कार की क्वालिटी का। ये देखो ये है हमारी वायरिंग, पहले तो वायरिंग देखो कितनी हैवी है और पूरा इसके अंदर पूरे सारे जैक है, दिख रहे सारे जैक, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ना क्लिप्स, ये सारे इसी ओरिजिनल कपलर के अंदर जाएंगे। जो कि आप ये देख रहे हो ना ये जुगाड़, ये जो तारे कटी हुई हैं, ये सारा सिस्टम जो है वायर कटिंग का, ये सारा खेल जो आप देखते हो, देख लो गाड़ी के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ और कितना बड़ा रिस्क हो रहा है। हमारे काम में आपको ये सारे के सारे मिलेंगे क्लिप्स, ये सारे मिलेंगे कपलर्स, और वायरिंग की क्वालिटी देखो, आप देख रहे हो कितनी स्मूथ वायरिंग है। और इसमें आपको मिलता है ये फ्यूज सिस्टम, कोई फ्यूज नहीं है ये इस वाली सड़ी हुई सी वायरिंग के अंदर, कोई फ्यूज नहीं है। ये है डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, देख रहे हो आप, एक फ्यूज ये रहा और एक फ्यूज ये रहा, दो दो फ्यूज हैं और ये पूरा प्रॉपर कपलर टू कपलर वायरिंग। और ये देखो रिले, ये मॉड्यूल, अगर आपका कोई भी आदमी टाटा मोटर्स में अगर आपकी जान पहचान हो, कंपनी के जेन्युइन मॉड्यूल को निकलवा के देख लेना, सेम उतने ही लेवल का मॉड्यूल है, उतनी ही वायरिंग है। ये है दोस्तों आपकी गाड़ी के साथ में कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज, आपकी वारंटी के साथ में कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज और कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है आपके साथ। अब हॉर्न देखो, एक हॉर्न जैसी ऑर्डिनरी सी चीज कहाँ लगाई है, यहाँ दूसरा हॉर्न लगा हुआ है, यहाँ ये हॉर्न लगाने की जगह, ये रिले देखो हॉर्न की कहाँ फेंक रखी है, ये एक हॉर्न यहाँ लगा हुआ है, एक हॉर्न यहाँ लगा हुआ है, और कंपनी का हॉर्न लगता है एक यहाँ पे अंदर, यहाँ इस तरफ, और एक हॉर्न लगता है यहाँ अंदर। तो जो कंपनी की ओरिजिनल जगह है हॉर्न की, उस जगह से हॉर्न हटा के ये जुगाड़, मतलब जल्दी, हर चीज़ की जल्दी है, यहाँ लगाया हुआ, दो पेच लगाए फटाफट, रिले लगाई फटाफट, हो गया काम, चलो भाई हटाओ दूसरी गाड़ी लाओ, ये सिस्टम है। ये देखिए एक और जगह हमारे को बहुत बड़ा फॉल्ट मिला इस कार में, ये देखिए ये वायर कटिंग की हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये वायर जुगाड़ से जोड़ रखी है, ये वायर जोड़ रखी है फुटस्टेप के लिए, और यहाँ पे पूरा का पूरा वायर को छील के पूरा गाड़ी की ओरिजिनल तार को काट रखा है। देखो ये काम हो रहे हैं आपके दोस्तों करोलबाग में, जहाँ आप भाग भाग के जाते हो काम कराने। अब आपको दिखाता हूँ अपना काम, पूरा हर चीज़ को मैंने सिस्टमेटिक करवा दिया इस कार में, सब कुछ कपलर से करवा दिया है, इवन ट्विटर जैसी चीज़ में भी मैंने कपलर लगवा दिया है। ये दोनों, इसका क्रॉसओवर और ये आपकी मिरर होल्डिंग की रिले, ये इस डोर पैनल के अंदर फेंकी हुई थी और इसमें पानी जा रहा था, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता था। अब इसको हमने यहाँ पे प्रॉपर लगा दिया है अंदर की तरफ, ताकि कोई भी पानी या कोई लीकेज ना जाए इसमें। सब चीज़ों को हमने टाई बेल्ट से टाई कर दिया है, कुछ हिलने की दिक्कत नहीं है। ये देखिए सब में कपलर्स भी लगा दिए। अब इंटरनल वायरिंग में भी देखिए, सब पूरा फ्यूज सिस्टम बना दिया मैंने, देख रहे हैं आप, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा। और ये हैवी लोडेड, हैवी ड्यूटी वाली हमने इसमें रिले लगा दी, देखिए इसमें भी सब कपलर है, देख रहे हैं। तो ये होता है एग्जैक्टली प्लग एंड प्ले,
सारे खाली बातों से नहीं होता, प्लग एंड प्ले हो गया। और यहाँ पे इस तरह भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे भी जो वायर कटिंग कर रखी थी इसको भी अब मैंने यहाँ देखिए पूरे कपलर और सिस्टमैटिक बना दिया है, पूरी वायरिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर दी है। और आपको मैंने दिखाया था वीडियो में हॉर्न कहाँ लगा रखा था, ये देखो यहाँ हॉर्न लगा रखा था, एक हॉर्न इस पेज पे लगा रखा था और एक हॉर्न इस पेज पे लगा रखा था, जो कि कंपनी के पैरामीटर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। यहाँ लगाना चाहिए हॉर्न, ये देखिए ये हॉर्न लगा हुआ है, एक हॉर्न यहाँ लगता है और एक हॉर्न लगता है यहाँ। दोनों हॉर्न जो हैं अपनी जो ओरिजिनल जगह पे कंपनी फिटेड जहाँ से आते हैं वो हमने लगा दिए। अब इस कार के जितने भी फॉल्ट थे वो हमने बिल्कुल सारे परफेक्ट कर दिए हैं, सारे पैरामीटर्स, बैटरी लीकेज, बैटरी ड्रेनेज, जो भी आपकी इंटरनल वायरिंग चाहे वो ऑडियो की, सेंट्रल लॉकिंग की, पावर विंडो की, हर चीज़ की वायरिंग को हमने बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट कर दिया है और जेन्युइन एक्चुअल कपलर टू कपलर कर दिया है। कार परफेक्ट हो गई है। इस गाड़ी में जब हमारे पास आई थी इतनी दिक्कत थी और हमने एक दिन का टाइम मांगा सर से कि हम इसको चेक करेंगे, तो नया काम तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है, आप अगर अच्छे जगह से काम करा रहे हो तो परफेक्ट काम हुआ आपका हो गया तो वो ईजी रहता है। बट पुराना काम को ठीक करना जिसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं, भगवान जाने किस किस जगह के ऊपर उन्होंने क्या क्या गलती की हुई है, उसमें टाइम लगता, तो एक दिन होल्ड कर लिया था इस कार को हमने और पूरा इसकी एक एक चीज़ को चेक करके आज हम नेक्स्ट डे कार को डिलीवर कर रहे हैं अपनी पूरी तसल्ली करके। ये होता है दोस्तों हमारे पास इस लेवल का काम, परफेक्शन के साथ में, प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ में और वर्कमैनशिप के साथ में। आज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए सामने एक अल्ट्रोज में काम हो रहा है, कल भी मैंने आपको दिखाया था एक टोटल पंच बेस टू टॉप हो रही है, सामने आपके एक ये नेक्सॉन जो ठीक हो रही है और दो गाड़ियां हमारी आगे उनमें भी काम हो रहा है। तो आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं हमारे पे, तो हमारा भी एक आपके तरफ एक प्रॉमिस होता है इस चीज़ का कि हम आपको परफेक्ट काम करके देंगे। तो इस कार को जो कि हमारे पास PB65 चंडीगढ़ मोहाली से ठीक होने के लिए आई, आज पूरा इसकी रेक्टिफिकेशन कर दी हमने, कार को बैक टू नॉर्मल कर दिया है। सर का कुछ बैड लक कहूँगा मैं, जिन जो कार के ओनर हैं उनका एक बैड लक कहूँगा, उन्होंने हमारे को लेट यूट्यूब पे ढूंढा, उनको बाद में लेट हमारे बारे में पता लगा। एवरीबडी थोड़ा करोल बाग का ज़्यादा हाइप है, तो देख लो करोल बाग में क्या होता है आपके सामने। अब मैं आपको सर से भी मिलवाता हूँ। सर का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा करोल बाग जाके, मैं चाहूँगा कि सर खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मनीष जी, आपने अपनी कार का जो भी काम करवाया, अपनी आपकी कार कौन सी है, कौन सा वेरिएंट है, और पूरा का पूरा आप एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपके साथ में क्या हुआ। मेरी कार है नेक्सॉन स्मार्ट, जो कि मैंने बेस से टॉप के लिए करोल बाग से मैंने काम करवाया था, मतलब बोला तो वहाँ यही गया था कि कपलर टू कपलर सब कुछ सही होगा, फिर 5-6 महीने बाद मेरी कार की बैटरी पूरी ख़राब हो गई। तो फिर मैं शोरूम गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया कि जो ये आपने मॉडिफिकेशन करवाई है, इस मॉडिफिकेशन की जो वायरिंग है उसकी वजह से बैटरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। फिर मेरी बैटरी रिप्लेस हुई वहाँ पे, तब मैंने काफ़ी जगह पे सर्च किया, फिर आपकी वीडियो मुझे मिली जिसमें मुझे मैंने देखा कि कैसे वायरिंग अच्छे से ड्रेस करी हुई है सारी, वो सारी आपने हटा के अभी उसको सही किया है, तो देखने में भी सही लग रहा है सब। सारी की सारी वायरिंग आपने देखा था, मैंने पूरी वीडियो में दिखाई है, पूरी टुकड़े जोड़ रखे हैं, टेपे मार रखी हैं, टेपे भी उतर उतर के गिर रही हैं, कोई कपलर के नाम पे कपलर था ही नहीं, बैटरी सर की डेड हो चुकी थी। इसीलिए मैं आप सभी भाइयों को एडवाइस करता हूँ कि प्राइस अच्छा सस्ता आपका लेना आपका राइट है, बट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चीज़ कभी एडवाइजेबल नहीं है। आपको मेरे पास स्काई कार पे आपको अच्छे प्राइस तो मैं दूंगा ही दूंगा, वो तो डेफिनेटली हमारी गारंटी है, प्रॉमिस है, बट आपको जो वर्कमैनशिप मिलेगी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। सर की गाड़ी मैंने जब जैसे स्टार्ट करी तो ऐसे लगता जैसे कोई जनरेटर स्टार्ट हो गया हो। ये रियर बम्पर गार्ड की नॉइस है, जो कि जब से ये लगवाया उसके बाद ये प्रॉब्लम आने लग गया उसमें, तो मतलब जो गार्ड है वो पीछे के साइलेंसर में टच हो रहा है कहीं और बड़ी हॉरिबल सी आवाज आ रही है आपकी कार के अंदर। आप देख सकते हैं कि मतलब एक छोटी सी चीज पीछे का रियर गार्ड भी लगाने में उन लोगों को इतना मतलब इस लेवल की उनकी क्वालिटी है कि आप पीछे का गार्ड भी एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक मैनुअल चीज़ है, वो भी नहीं लगा सकते। तो क्या आपने जिस जगह पे काम करवाया था आपने उनको फॉलो अप नहीं किया?
मैं उनके पास गया था जी। और उनके पास जाने के बाद जब मैंने ये प्रॉब्लम बताई तो उनका यही बोलना था कि फिटिंग के वक्त कौन लड़का था उनको पता नहीं होता है जी। फिर वो या तो खुद से ही बताना पड़ता है कि कौन था कौन नहीं है। अगर आपको नहीं पता या वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। ऑब्वियसली कि अगर काम जिस बंदे ने किया है अगर वही इसी कंप्लेंट को अटेंड करे तो पता भी लगता है कि भैया मैंने काम किया था। सपोज मेरी गाड़ी में उन्होंने कुछ म्यूजिक प्लेयर का कुछ भी फिट किया तो मेरी फिटिंग के बाद वो नेक्स्ट किसी और शॉप पे फिटिंग करते हुए मिलते हैं जी। वो आगे से आगे कहीं से कहीं फिटिंग करते मिलते हैं। मतलब जब भी आप काम करवाने जाओगे आपको वो सेम बंदे ही नहीं मिलते हैं जिन्होंने उस वक्त काम किया था, फिर आप किसी को बोल नहीं सकते। ओके। और यहाँ जैसे आपने देखा तो परमानेंट आपको लड़के दिख रहे हैं सारे एक जैसे काम? कल भी आया था और आज भी आया हूँ, सेम सारे बंदे वही आपके हैं, कोई इधर उधर चेंज नहीं हो रहा है जी। सब अपने अपने जो भी प्रोफेशन उनका है उसके हिसाब से वो फिटिंग कर रहे हैं। ज्यादा समय आपका नाम लेते हुए सर के साथ में एक अच्छे होप के साथ में इनको कार की हैंडओवर कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नई अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे आपको, हमेशा ये एडवाइस करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।